नमस्कार दोस्तों, अटल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक गाजर का हलवा यानी कि कोई मीठा सा रेसिपी, तो इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हमें ये बनाने के लिए हमने एक पैन गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया और इसमें एक चम्मच इतना घी ढाल लिया और हमने एक कप गाजर यहाँ पे ले लिया, एक कप बड़ा सा कप में एक कप ले लिया इसमें। और इसे घी गर्म होते ही पैन में आप डाल लीजिए और इसे 3 मिनट तक थोड़ा सा घुमा लीजिए ताकि अच्छी तरह से पक सके। एक बार तो घुमाने के बाद 3 मिनट के बाद इसे एक बार घुमाने के बाद अच्छी तरह हमने वही कप में आधा कप जो दूध इसमें मिला लिया हमने और इसे एक बार घुमा लीजिए अच्छी तरह से। गाजर और दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसे ये जो दूध है गाजर पूरा तरह से खींच ले। 5 मिनट तक धीमी आंच पर इसे ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिएगा। तो 5 मिनट में जैसे ही दूध कम होते ही इसमें समझ लीजिए आप गाजर पक चुका होगा। अगर नहीं पका तो और एक बार इसे पका लीजिए थोड़ा सा। तो ये दूध गाजर खींचने के बाद हमने यहाँ पे शक्कर का इस्तेमाल किया है, चीनी का, और इसमें 2 चम्मच इतना दूध का पाउडर का इस्तेमाल भी किया। अगर यहाँ पे आप कंडेंसड मिल्क इसका भी जो गाढ़ाई दूध मिलता है इसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से उसे मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। तो इसमें चीनी और जो दूध का पाउडर है पिघल जाएगा तो मिश्रण में थोड़ा सा पानी सा नजर पानी छूट जाएगा चीनी पिघलती। तो इसे अच्छी तरह से उबाल लीजिए और पूरा तरह उबलने के बाद ये एक जुटा हो जाएगा तभी इसमें इलायची पाउडर डाल लीजिएगा। तो खुशबू देने के लिए इलायची पाउडर डाल लीजिए और इसे एक बार फिर से एक बार अच्छी तरह से इसे मिला लीजिए। दो शक्कर में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि आपके स्वाद अनुसार मीठा ज़्यादा पसंद है तो शक्कर ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये तैयार होते ही इसे दूसरा बर्तन में निकाल लीजिएगा। तो इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमें जो काजू और किशमिश का घी में अच्छी तरह उसे फ्राई करके ऊपर एक घी का तड़का देंगे। अगर ये तो कोई दूसरा रेसिपी तड़का बोले तो दूसरा ही तड़का नहीं है, कोई सा राही या कोई मिर्च ऐसा कोई डालने का नहीं, ये तो ड्राई फ्रूट का तड़का है इसके लिए। तो हमने एक पैन रख लिया, उसमें घी गरम कर लिया 2 चम्मच और घी गरम होते ही उसमें काजू और काजू डाले, काजू हल्का सा से कलर आने दिया, उसमें फ्राई कर लिया उसे। बाद में उसमें किशमिश डाला और किशमिश जब फूलते हैं जब फूलने लगेंगे तो देखिए इस तरह से अभी ये तैयार हो गया है। तो अभी इसमें हम बर्तन में निकाल के रखा हुआ जो गाजर का हलवा है इसके ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पे आप बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हलवा तैयार हो गया। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।